बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं करेले दाल, जिसके लिए हमने एक कप दाल ले ली है और उसको बॉयल कर लिया है। दो अदद टमाटर लिए हैं, उनको काट लिया है। दो अदद प्याज लिए हैं, उनको स्लाइसेस में काट लिया है। हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, बारीक कटी हुई 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 1/2 कप ऑयल लिया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 किलो करेले लिए हैं, उनको छील के काट लिया है। 1/2 कप ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल पैन में डालेंगे और करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेले छीलने से काटने तक का सारा अमल जो है वो हमने पहली वीडियो में दिखाया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, करेले अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। अब इसी पैन में बाकी बचा हुआ ऑयल भी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम करने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा पिंकिश कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसको हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर नहीं करना। ये देखें, जिस तरह का हमें प्याज चाहिए था वो हो चुका है। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे। सूखा धनिया और जीरा डाल के साथ में भून लेंगे। अब नमक, हरी मिर्च और हल्दी पाउडर डाल देंगे। एक से दो मिनट तक मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। एक से दो टेबलस्पून पानी डालेंगे। अब 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे। भूनेंगे। करेले अच्छी तरह भून चुके हैं, अब इसके अंदर बॉयल की हुई दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद हम इसको ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आपकी दाल बिल्कुल नरम हो चुकी है, यानी अच्छे से पक चुकी है, तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि दाल सख्त है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गला सकते हैं। हमारी दाल थोड़ी सी सख्त है क्योंकि हमने उसको 80% बॉयल किया था, तो इस वजह से हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। दाल या करेले आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको पसंद हो आप उतने डाल लें।
अब इसको हम दम पे रख देंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक कर लेंगे। करेले दाल तैयार है। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर भी डाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त करेले दाल तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल अराई फूड प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।